हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज लेखपाल भर्ती से संबंधित दो केसेस पर इम्पॉर्टेंट सुनवाई होनी है। सुनवाई एक पर ही होनी है, एक पर आपका जजमेंट रिजर्व है और उस पर ऑर्डर आना है। तो उन दोनों केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं आपका जो केस है हमारा 3683/2023, जिसके बारे में थोड़ा सा लेट हमें पता लगा था। ये केस है आपका लखनऊ बेंच में। इसकी जो पहले सुनवाई लगी हुई थी वो 4 अप्रैल को लगी हुई थी, लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली जो हमारी टीम है और बाकी लोगों ने जो प्रेशर बनाया है उसके कारण इसकी सुनवाई अब 1 अप्रैल को आपका शिफ्ट कर दी गई है, यानी कि आज इसकी सुनवाई है। आप यहां पर देखेंगे नेक्स्ट हियरिंग डेट 1 अप्रैल 2024। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 6। बेंच आईडी आपकी 3010 है। अभी दिखा दूंगा कॉज लिस्ट, सीरियल नंबर 385। तो ये भी आपका एडिशनल और अनलिस्टेड लिस्ट में है। लेकिन इस वाली बेंच में देखिए एक अच्छी चीज है काफी, मैं कॉज लिस्ट में आपको दिखाता हूं। अब्दुल मोइन सर की ये बेंच है। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये देखिए आपका 1 अप्रैल लखनऊ बेंच में जो सुनवाई शुरू होती है वो आपकी 10:15 बजे बेंच बैठनी शुरू होती है। कोर्ट नंबर 6 में अब्दुल मोइन सर की बेंच है। अगर आप इसमें देखेंगे फ्रेश केसेस आज के, आज जो फ्रेश केसेस है वो है मात्र 5। ठीक है, तो मुझे लगता है 5 फ्रेश केसेस की सुनवाई जल्दी हो जाएगी। कुछ अगर सप्लीमेंट्री फ्रेश केसेस आएंगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल जो कॉज लिस्ट है उसमें केवल 5 आपके फ्रेश केस हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है। यहीं पर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहां पर हमारा 385 यानी एडिशनल में 85 नंबर पर हमारा केस लगा हुआ है, अनुज कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। तो ये चीज इसमें अच्छी लगी मुझे कि हमारे मात्र 5 फ्रेश केस है, तो सुनवाई होने की संभावना इसमें काफी अच्छी है। अगर बात करें दूसरे केस की तो वो है आपका जजमेंट रिजर्व वाला केस, जो विंध्याचल पर्वत पर सुनवाई जिसमें हो चुकी है 51/13/2023। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट हियरिंग डेट 1 अप्रैल 2024। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 33, सीरियल नंबर 3079 और ये भी एडिशनल अनलिस्टेड में है। पहले ये कोर्ट नंबर 35 में था। जो पूरी सुनवाई और हियरिंग इसकी हुई है वो प्रकाश पाड़िया सर वाली बेंच में हुई है। माफ कीजिए, प्रकाश पाड़िया सर वाली बेंच में इसकी सुनवाई हुई है। अब जो इसमें प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है, मैंने आपको बताया था प्रोविजन होता है अगर किसी कारणवश जिस जज ने हियरिंग की है वो मौजूद नहीं होता तो जो प्रोनाउंस करेगा जजमेंट को वो कोई दूसरा जज करेगा। तो कोर्ट नंबर 33 में सलील कुमार राय, इस वाली बेंच में आज ये लगा हुआ है कोर्ट नंबर 33 में। तो आज ये फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट ओपिनियन, तो ऑफिशियल ऑर्डर मुझे आज पूरी संभावना है इसमें आ जाएगा क्योंकि इसका जजमेंट रिजर्व कर दिया गया था। तो ये दो केसेस आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं क्योंकि इसमें तो आज ऑर्डर मुझे लगता है आ ही जाना चाहिए, क्योंकि 21 तारीख को भी आपकी इसमें सुनवाई नहीं हो पाई थी। उसमें ऑर्डर आया था पॉसिटी ऑफ टाइम वाला कि समय की कमी के कारण जो डिलीवरी ऑफ जजमेंट है वो नहीं किया जा सका। तो इसमें तो मुझे लगता है पूरी पूरी संभावना है 100% की आज इसमें ऑर्डर आ जाएगा क्योंकि काफी समय इसको हो चुका है। मेन है हमारा ये वाला थोड़ा सा, अगर इसमें आज सुनवाई हो जाएगी क्योंकि फ्रेश केसेस आपके मात्र 5 है तो ये काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। जो भी होगा मैं, मुझे लगता है लंच तक इसमें सुनवाई का नंबर आ पाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और ऑफिशियल ऑर्डर भी शाम तक आएगा तो वो भी दिखा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।